भिड़ंत हुई है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से आपको बता रहे, भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। डीसीएम और ट्रैक्टर की भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीसीएम और ट्रैक्टर में आपस में टक्कर हुई है जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग घायल हैं। उनका बेहतर उपचार कराया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि चंदौली या कहीं गए थे, वहां से लौट रहे थे और सारी जानकारियां की जा रही। तो डीसीएम और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई है हाथरस में। नेशनल हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। चार लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और हाथरस से संवाददाता उमाकांत पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। उमाकांत, किस वक्त ये हादसा हुआ और क्या कुछ वजह हादसे की? उमाकांत सुन पा रहे हैं आप जी? किस वक्त उमाकांत ये हादसा हुआ और फिलहाल अभी क्या कुछ घायलों की स्थिति? आपको बता दें, हाथरस के क्षेत्र थाना क्षेत्र के आगरा नेशनल की घटना है जहां पर बीती देर रात की मैक्स और डीएसएम की टक्कर और डीएसएम की भीषण भिड़ंत होगी जिसमें मौके पर चार लोगों की मौत होगी, 11 लोग घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर हालत देखते हुए चार लोगों को अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी के सभी लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी, जो घायल है उनकी क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जो गंभीर अवस्था में घायल थे जिनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। बाकी के जो छोटे मोटे घायल थे उनको जिला अस्पताल में उनका इलाज उपचार है। ठीक है उमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर है, दो अनियंत्रित ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। एक ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार बताया जा रहा है जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। ट्रक के दरवाजे को काटकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया और गौरीगंज अमेठी मार्ग है बारामासी बाजार की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ था कल देर शाम की यह घटना है। दो अनियंत्रित ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई है जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए जबकि दूसरे ट्रक का जो ड्राइवर था, जो चालक था, वो ट्रक में ही फंसा रह गया। और देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था, कितनी जोरदार टक्कर दोनों ट्रकों के बीच में हुई होगी। तो अमेठी में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, दो अनियंत्रित ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई है। एक ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार बताया जा रहा है जबकि दूसरे ट्रक का ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया था जिसका रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यूपी के कई शहरों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अलग अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रतापगढ़ में बेकाबू डंपर रोड पर बने गेट से टकराया। हादसे में ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि जालौन में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरे घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं बिजनौर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है जिसमें बाइक सवार घायल हो गया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तीन तस्वीरें प्रतापगढ़, जालौन और बिजनौर की, जहां पर भीषण सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो यूपी के कई शहरों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और भदोही से बड़ी खबर है, भदोही में एनकाउंटर में एक अपराधी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की थी।